क्या मुझे मॉम को बोल देना चाहिए कि मैं बैले छोड़ना चाहती हूँ? ये मैं चला। क्या तुम ये कर सकते हो? तुम मूव्स अच्छे कर लेते हो मगर मुझसे अच्छे नहीं। तुम ये मूव करके दिखाओ ब्रो। इसे स्केटबोर्डिंग नहीं कहते। क्या तुम लोग सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। हमने 5-5 रुपए की बेट लगाई है तो पहले वो जीत ले। तो शुरू करते हैं यार। वेलन पे ध्यान मत दो क्योंकि न्यूटन की तीसरे लॉ के मुताबिक हर एक्शन का ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है। इस बार शायद कुछ बड़ा मिलने वाला है। ओ तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम मेरी स्केटबोर्डिंग छुड़ा देंगी? मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ वो सही है क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। या नाइस मूव। अब तुम ये करके दिखाओ। या अगर तुम्हारी मॉम मान गई तो? हाँ अगर ऐसा हुआ फिर तो ये जेक के अनमैच्ड सॉक्स देखने से भी ज्यादा शॉकिंग होगा। इसे स्केटबोर्डिंग नहीं कहते। वेल थ्योरी के हिसाब से हम सबके पहले पैर नहीं थे क्योंकि हमारा एवोल्यूशन सी से हुआ। इससे जेक के सॉक्स का क्या कनेक्शन? सी से एवोल्यूशन? हाँ सुनने में तो काफी कूल लग रहा है। सी में रहना यानी सी फूड खाना। वो मुझे सी फूड पसंद नहीं। चलो छोड़ो उसे, अभी जो शुरू किया है पहले उसे खत्म करते हैं। पर जेक तुम्हें चोट लगी है। अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये बैट जीतना ही है। मैं भूख से मर रहा हूँ। मैं कितना करीब था। तुम लोग बस ऐसे बैठे मत रहो, कुछ आइडिया दो कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूं। मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर हम एलियन की भाषा जानते तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से भी जरूर बात कर पाते। क्या तुम ये कह रही हो कि इसके पेरेंट्स एलियंस हैं? कुछ ऐसा ही। मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर आज तुम्हारा लक काफी अच्छा था। ये लो तुम्हारे पैसे। वेल थैंक्स अ लॉट ब्रो, मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। टेक्निकली सोचें तो हम सभी एक दूसरे के लिए एलियंस ही हैं। वो शायद इस बार भी कोई कचरा ही मिला है। शायद नहीं। वो पकड़े रहो। बच्चों पर कड़ी नजर रखो। जैसा आप कहें बॉस।